हमारा जो टीम वर्क जो काम कर रहे हैं त्वरित तो उपाय से काम कर रहे हैं। जैसे भी हमको मैसेज मिल रहा है हम तुरंत कार्रवाई करने से हमको बहुत लाभ मिला और अभी भी निश्चित रूप से सफल रूप से हमने जीरो काजीवाली के साथ साथ अभी भी हमारा रेस्टोरेशन हर डिपार्टमेंट का रेस्टोरेशन करते हुए हमने सफल रहे निश्चित रूप से। साइक्लोन दाना जो उड़ीसा में फॉल हुआ और फॉल होने के बाद जैसे हमारा भी पहले से ही हमारा प्रिपेयरसन था, इसमें से जो अफेक्टेड जिला है 11 जिला में से ज्यादा अफेक्टेड हुआ था 3 जिले में, एक जिला है केंद्रापड़ा और भद्रक और बालेश्वर, वो 3 जिला में ज्यादा अफेक्टेड हुआ। इसमें से जो रोड ब्लॉक हुआ था उसको हमने तुरंत क्लियर कर दिया और उनके साथ साथ जो विद्युत सरबराह का जो विच्छिन्न हुआ था उसमें से जो प्रभावित हुआ था उसके लिए हमने ज्यादा जो 3 जिला में इसमें से केंद्रापड़ा में इसमें से 95% जो उपभोक्ता लोगों का पावर कटअप हुआ था पावर रेस्टोरेशन करते हुए हमने 95% लोगों को विद्युत हमने उनके सरबराह हमने कनेक्टिंग कर दिया और उनके साथ साथ भद्रक जिला में ज्यादा जो वाटर लॉगिंग हुआ इसमें से जो प्रॉब्लम हुआ पावर रेस्टोरेशन में थोड़ी हमारा देर हुआ। हमने जो डेडलाइन दिया था कल आज का शाम तक आज भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन हमने सक्सेसफुली रहे कि लगभग 77% रेस्टोरेशन काम को हमने कंप्लीट किए और इसमें से अभी भी करीब कुछ लोगों के पास वो रेस्टोरेशन हम कर नहीं पाए लेकिन अभी भी रात भर काम चल रहा है निश्चित रूप से और थोड़ी घंटा के लिए हम उसको सक्सेसफुली तरफ से हमने उनको कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से बालेश्वर में आपका वो जो साइक्लोन के साथ साथ अभी थोड़ा हमारा जो फ्लड आ गया क्योंकि मयूरभंज जिले के जो ऊपर से जो सिमरीपाल जो हमारा जैव मंडल है वहां ऊपर से ज्यादा बारिश होने के नाते नीचे जो लो लाइन है हमारा बालेश्वर का जो सीसर का जो इलाका है उसमें से ज्यादा प्रभावित हुआ और लेकिन अभी भी वो जो हमारा जो जल स्तर जो रहना चाहिए जो विपद संकेत उनसे भी थोड़ा नीचे है अभी भी ऐसे कोई क्रिटिकल परिस्थिति नहीं आया पर उसी जिले में हमने जो उपभोक्ता लोग है 81% हमारा पावर रेस्टोरेशन करते हुए वो काम सफल रहे और आज रात तक उसको 100% करने के लिए हम सफल रहेंगे लेकिन वो जो फ्लड आने वाला है उसलिए जल स्तर अभी थोड़ा सा वृद्धि अभी भी हो रहा है। इसमें से प्रभावित बालेश्वर जिला का जो 6 ग्राम पंचायत है उसमें से 20 गांव है उसके ऊपर थोड़ा प्रभावित अभी हो चुका है और रेमुणा ब्लॉक का 2500 और बालेश्वर सदर ब्लॉक का 8000 लोगों को अभी हमने इवैक्यूएट कर चुके हैं और जो हमारा जो प्रशासन है एनडीआरएफ ओड्राफ टीम और फायर सर्विस उसको हमने टोटली तैयार करते हुए हम रखे हैं। कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा तो उनका ऑपरेशन भी हमने करने के लिए निर्देश दे चुका है। इसलिए अभी तक फ्लड का जो प्रॉब्लम अभी गंभीर पोजीशन हो सकता है लेकिन अभी जो लास्ट रिपोर्ट आया उसमें से और जलस्तर ज्यादा वृद्धि और नहीं हो रहा है अभी भी विपद संकेत से थोड़ा सा नीचे ही है फिर भी हमने टोटली तैयारी कर चुके हैं कोई जैसे प्रॉब्लम ना हो। जहां टोटली हमारा जो स्थिति था हमने जो बता रहे थे विद्युत सरबराह का जो क्षेत्रों में इसमें से 22 लाख और 84,000 तक परिवार को विद्युत जोगान का जो प्रभावित था उसमें से हमने काफी हमने कर लिए है। शाम को 7:30 बजे तक 92% का हमने से ज्यादा परिवार को हमने टोटली कनेक्टिंग कर चुके और ओनली 8% अभी बचा हुआ है। रात तक काम चल रहा है रात तक भी वो काम सुधर सकता है और जैसे हमारा जो फसल हानि का बारे में जैसे पोजीशन है अभी 2 लाख एकड़
का जो जमीन के ऊपर जो फसल हमारा अभी नष्ट हो चुका है, इसमें से हमारा वो प्रिलिमिनरी हमारा जो हमने रिपोर्ट बनाए हैं, लेकिन सटीक आकलन करने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सटीक आकलन होने तक हमने और जिसे टोटली वो इलाका का पानी जो निष्कासन हो जाने के बाद ही सटीक आकलन आएगा, उसके बाद हम टोटली उनका ऊपर रिपोर्ट बनाते हुए हमको उनके ऊपर जो हमको रिलीज और जहां उनको सहाय्य करने का जो हमारा योजना है और रिलीफ कोड में है वो सब हम उसको निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। जो एवैक्यूएट हुआ था करीब टोटली जो लैंडफॉल होने तक जो टाइम था उसमें से 8,09,513 लोगों का वहां एवैक्यूएट हुआ था, और वो जो अभी स्वाभाविक परिस्थिति जो आ गया इसमें से ज्यादा लोग अपने अपने घर आपस चला गई। अभी भी 1,10,470 लोग वहां भी उनका जो साइक्लोन शेल्टर में अभी भी वो लोग को रखा गया है, क्योंकि उसी जो गांव अभी भी प्रभावित थोड़ा है उनको अनुरोध करते हुए कि आप जब तक वो इलाका टोटल जल का निष्कासन ना हुए उतना तक आपको रहना पड़ेगा, वो उनको अनुरोध करते हुए वो लोग अभी भी है। विशेष रूप से जो बन्या परिस्थिति जहां बालेश्वर और मोरभंज की आसपास जो संभावना है उसके ऊपर हमने 11 पावर फुट मयूरभंज जिले को और बालेश्वर जिले को 10 पावर फुट हमने अभी निर्देश दे चुके हैं और वहां जा रहा है। कहीं ना कहीं रात को क्या परिस्थिति आ सकता है इसको अंदाज करते हुए हमने टोटली उनको भेजे हैं, और फायर सर्विस उनके साथ साथ पुलिस फोर्स सब अभी बालेश्वर और मयूरभंज जो मयूरभंज का जो एंडिंग जगह बालेश्वर का स्टार्टिंग जगह जो है बुढ़ाबलंग नदी के जहां परिस्थिति थोड़ा गंभीर है उसी इलाका में हमें उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भेजा गया है उनको। आपका जो स्नेक बाइट का जो आता है आफ्टर साइक्लोन के बाद इसमें से 28 लोगों की स्नेक बाइट हुआ है और वो सब ट्रीटमेंट और सब मेडिकल में हो रहे हैं, सब सुरक्षित है और आउट ऑफ डेंजर में वो लोग हैं। इसमें से 15 लोग हैं पुरुष और 13 लोग हैं महिला, और उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, सुरक्षित है वो लोग। उनमें से एक डॉक्टर भी है जो इलाज करने के लिए वो उनको नियोजित किया गया था, उनके ऊपर भी स्नेक बाइट हुआ था, लेकिन वो लोग भी अभी सुरक्षित है, मोटा मोटी कोई भी किसका जीवन हानि नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से हमारा जो टीम वर्क जो काम कर रहे हैं त्वरित तो उपाय से काम कर रहे हैं, जैसे भी हमको मैसेज मिल रहा है हम तुरंत कार्रवाई करने से हमको बहुत लाभ मिला, और अभी भी निश्चित रूप से सफल रूप से हमने जीरो काजुअल्टी के साथ साथ अभी भी हमारा रेस्टोरेशन हर डिपार्टमेंट का रेस्टोरेशन करते हुए हमने सफल रहे निश्चित रूप से। कल और एक दिन बचा है, इस दिन के ऊपर हमने नजर रख चुके हैं, निश्चित रूप से हम सफल होंगे और टोटली हमारा काम बहुत ठीक रहा। और गणमाध्यम से भी जो रिपोर्ट हमको मिला उसके ऊपर भी हमने रिपोर्ट के आधार पर भी हमने कार्रवाई कर चुके हैं और हमको टोटली सफल मिला। थैंक यू। सेटिस्फेक्शन है, जीरो टारगेट का जो मिशन था आपका वो पूरा हुआ थी? निश्चित रूप से हमने संपूर्ण बराबर सफल रहे, हमारा जीरो कैजुअल्टी हम सफल रहने के साथ वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी हमने टोटली हमने कंप्लीट कर चुके हैं।